हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट सेकंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूं, अब हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि यदि हमारा कोई एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में है, ठीक है, तो हम उसे पैसिव में किस में चेंज करेंगे। तो उसको पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में ही चेंज करेंगे। लेकिन फर्क क्या होगा कि हमको बीइंग ये ऐड करना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, इसमें यदि कोई एक्टिव हो तो वो किसमें चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीइंग वाले स्ट्रक्चर में। मतलब कि मैं बता रहा हूं आपको स्ट्रक्चर लिख के, यहां पे ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में जाएगा। आप इन स्ट्रक्चर को एक बार ढंग से याद कर लें। स्टूडेंट्स, तो देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही चेंज करके उसका पैसे हम बना सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं किस तरीके से हम करेंगे इसको। तो देखिए इसको आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई भी एक सेंटेंस है, राम इज कुकिंग फूड। अब हमने इस सेंटेंस को पहचान लिया कि सेंटेंस किसका है, इस कुकिंग आ रहा है, मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा एक्टिव है इसके अकॉर्डिंग, तो उसको चेंज करेंगे हम इस पैसिव के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है सर फूड, फूड को आगे लाइए, इज आर एम, इन तीनों में से क्या आएगा फूड के साथ में, इज इज, इसके इसके बाद क्या आ रहा है, बीइंग, तो बीइंग लगाइए, फूड इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, कुक, इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक। फ्रेंड्स यहां पे बाई और आएगा बीच में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाई और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय राम, ये इसका पैसिव हो गया। अब यदि मान लीजिए हम इसका नेगेटिव करते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव को हम किस तरीके से करेंगे, आपको करना क्या है, नेगेटिव के अंदर इज आर एम यहां पे नॉट लगाना है यदि आपको नेगेटिव बनाना है, ठीक है, और यहां पर भी इज आर एम के बाद में नॉट लगाना है। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, अगर नेगेटिव आपको एक्टिव आता है तो इस तरीके से नॉट लग जाएगा, इज आर एम के बाद नॉट, और इस पैसिव में भी इज आर एम के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे कि मोहन इज नॉट रीडिंग अ बुक, ये नेगेटिव है फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही, मोहन इज नॉट रीडिंग ए बुक। अब इसका पैसिव हम बनाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट ए बुक पूरा आएगा, ए बुक इज आर एम में से बुक के साथ तो इज आएगा, इज नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की, थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, ए बुक इज नॉट बीइंग रीड बाय मोहन, ये इसका नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे अपने मन से सेंटेंस लेके इनको कन्वर्ट करके देख सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं यदि हमारा एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव में यदि हो तो हम उसका पैसिव किस में चेंज करेंगे। तो एक्टिव हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया तो उसका जो पैसिव चेंज होगा वो होगा
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके फ्रेंड्स, तो उसका पैसिव चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आप सभी बच्चों को पता है, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। इसमें हमारा कोई एक्टिव आता है तो हम उसका पैसिव चेंज करेंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब कि अब जो मैं स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं उसमें चेंज करेंगे। तो सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट एज एफ प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज एफ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें यदि हमारा कोई एक्टिव है तो उसका पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज एफ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम पैसिव बनाएंगे। अब यदि हम बात करें इसके स्ट्रक्चर को लेने की, मतलब कि एक सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर के साथ में, तो किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे? तो स्टूडेंट्स मार्कर की जो इंक है वो खत्म हो गई, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ग्रीन बोर्ड पे आ गया हूं, लेकिन चीज रुकनी नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से मैं भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता रहा था, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसके स्ट्रक्चर में भी आपको बता ही चुका हूं, तो हम उसका एग्जांपल की बात कर रहे थे कि यदि हमारा कोई एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव में आए तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो उसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के साथ। तो जैसे कि मोहन हैज played football, Mohan has played football, ये हमारा जो है present perfect का है, ठीक है। अब ये है active में, तो इसका हम passive कैसे चेंज करेंगे? तो passive चेंज करते समय हम क्या करेंगे, object आगे आएगा, structure को देख के भी आप बना सकते हो। तो football, फुटबॉल के बाद में हैज आएगा, हैज हैव में से, क्योंकि फुटबॉल एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हैज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव आता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है तो हैज आएगा, यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल तो यहां पे हैव आएगा। तो फुटबॉल हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में यूज होती है, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय मोहन। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव आता है तो हमें कैसे चेंज करना है? तो नेगेटिव में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर के बाद में हमको नॉट लगा देना है। दोनों स्ट्रक्चर में यहां पे हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देना है। उसके अलावा इंटरोगेटिव के भी जो स्ट्रक्चर है वो सेम चलेंगे, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है वो किसमें चेंज होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव में ही चेंज होंगे, और जो रूल्स हैं वो सब बिल्कुल कंटिन्यू ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसके बाद में हम पार्ट टू में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों का हमने आपको पैसिव बनाना सिखाया।